हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गोला है। मेरे मेडिसिन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्तियां जो आ रही हैं, यानी जो वैकेंसियां हैं और इसमें शॉर्ट लिस्ट जो लाइव है उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। और बाकी यहाँ से चेक करें इस रिज़ल्ट को, इसके बारे में सभी जानकारी, बने रहें इस वीडियो में। और दोस्तों बाकी जो बात कर लेते हैं हम, जो हमारी यूपी एनएचएम 17,000 से ज़्यादा प्लस जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये कलर चेंज कर लेता हूँ और ये आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी यहाँ, और सबसे पहले आप यहाँ भी देख सकते हैं। और ये है सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये बात। बाकी आगे चल के हम आपको लाइव दिखाते हैं, लाइव प्रूफ है इसके अंदर। और जो यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको डिटेल बाय डिटेल दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम उसके लिए न्यू पेज ओपन कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हम उसके बेस्ट सरकारी रिजल्ट .com पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ ये जब तक रोल होने में टाइम लेगा, तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम NHM जो हम इसके बारे में रिज़ल्ट चेक करेंगे या कट ऑफ के बारे में सब जान लेंगे। तो सबसे पहले जो स्टाफ नर्स है दोस्तों, तो स्टाफ नर्स है हमारी, तो उसके बारे में हम जान लेंगे। और जो फार्मासिस्ट हैं हमारे उनके बारे में, ये सभी इसमें डिटेल मिल जाएगी आपको। बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों हम सीधे जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होने जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ये लिंक प्रोवाइड होती है हमें, तो दोस्तों अब ये हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। ये जैसे ही इसमें क्लियर होगी, तो ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये क्लियर हो चुकी है। और इसमें मैं ये नॉट नाउ इसे हटा देता हूँ नोटिफिकेशन को। बाकी हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं यूपी एनएचएम रिजल्ट 2023। यूपी एनएचएम रिजल्ट अभी हुआ जारी, डायरेक्ट यहाँ से देखें। और दोस्तों ये 8 फरवरी की न्यूज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2023 की, और ऑफिशियल है ये दोस्तों। आप देख सकते हैं यूपी एनएचएम रिजल्ट 2023, यूपी एनएचएम रिजल्ट 2023 स्टाफ नर्स। बाकी ये लेटेस्ट की न्यूज़ है यूपी एनएचएम रिजल्ट 2023। तो राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन उत्तर प्रदेश एनएचएम यूपी लैब टेक्नीशियन रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार छात्रों के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट कुछ ही देर में जारी होने वाला है। यूपी एनएचएम रिजल्ट 2023 का कैसे चेक करें, इसके बारे में इस पोस्ट में बताया गया है। इस पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ें। और दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं हम यूपी एनएचएम 1 सप्ताह तक परीक्षा होने के बाद आंसर की जारी किया गया था। और जैसे ही आंसर की जारी हुआ, कुछ दिन बाद छात्र लगातार रिजल्ट जारी होने को लेकर जो परेशान थे। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट आज ही कुछ देर में जारी होने वाला है। रिज़ल्ट कैसे चेक करना है पूरी जानकारी इस पोस्ट में दिया गया है। बाकी डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है, आपको सब कुछ इसमें डिटेल बाय डिटेल नीचे मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसे पढ़ लें और ध्यान से आप दोस्तों बात करेंगे। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके चलेंगे हम तो कुछ देर बाद। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आप जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ पढ़ सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं हम, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं नीचे जारी होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो दोस्तों इस वेबसाइट को आप जरूर विज़िट कर लें और चेक कर लें। और अभी चलिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और बाकी नीचे की कुछ इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। तो रिक्त पद हैं इसके 17,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं 17,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं इनकी। और जो दोस्तों रिज़ल्ट की बात करें, तो रिज़ल्ट डेट इसकी 8 फरवरी है दोस्तों। तो 8 फरवरी की ये न्यूज़ है। बाकी बात कर लेते हैं हम ये आप सभी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे फिर दोस्तों। ये upnhrm.govin ये इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट इसकी लिंक इसमें दी गई है। बाकी UPNHM फार्मासिस्ट 2023 इसमें जो वैकेंसी है इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। UPNHM रिजल्ट उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मिशन के तहत जो फार्मासिस्ट की भर्ती बम्पर 2022 में जारी की गई थी। उसके बाद 27, 28, 29 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। बहुत ही जल्द आंसर की 2 जनवरी के डेट में जारी किया गया था। छात्र लंबे समय से UPNHM रिज़ल्ट 2023 का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों, और कब जारी होगा छात्रों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट कुछ ही देर में जारी होने वाला है, ऐसा कुछ इनमें कह रहा है। और बाकी लोग बहुत भी कमेंट भी कर रहे हैं रिज़ल्ट चेक करने के लिए। जो रिज़ल्ट चेक का जो डायरेक्ट लिंक है जिसे रिज़ल्ट जारी होगा, आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे दिया गया तरीका, जहाँ पर UPNHM स्टाफ नर्स के रिज़ल्ट कैसे चेक करें। तो दोस्तों UPNHM रिज़ल्ट कैसे चेक करें, जिन उम्मीदवारों ने
जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मिशन के तहत NHM का आवेदन किए थे और परीक्षा में शामिल हुए थे, उन छात्रों का परिणाम कैसे चेक करना है, सबसे आसान सबसे सरल जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से मिलने वाला है। सबसे पहली नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, आपको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपडेट सिलेक्शन में NHM स्टाफ नर्स और जो रिज़ल्ट 2023 पर क्लिक करें। अब मांगे गए विवरण जैसे पंजीकरण संख्या यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ आपको दर्ज करनी है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद रिज़ल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। उम्मीदवार इसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। UP NHM कट ऑफ के बारे में दोस्तों सबसे मेन जानकारी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय मिशन जो NHM छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दोस्तों जो कट ऑफ को लेकर एक जो सटीक कट ऑफ इसके नीचे निर्धारित किया गया है, NHM कट ऑफ कितना जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज क्या है, जो एक्सपेक्टेड जो UP NHM कट ऑफ है वो उसके बारे में हम डिटेल बाय डिटेल देख लेंगे। तो दोस्तों जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ UP NHM का है वो आप स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है हमारी, तो जनरल कैटेगरी को 50 प्लस लेके आना है। EVS कैटेगरी है उसे 48 प्लस लेके आना है। OBC कैटेगरी है उसे 46 प्लस लेके आना है। और जो हमारी SC कैटेगरी है उसे 42% लेके आना है, यानी उससे प्लस लेके आना है। ST कैटेगरी है उसे 35 प्लस लेके आना है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल बाय डिटेल हमने देख ही लिया है दोस्तों। बाकी बात कर लेते हैं UP NHM मेरिट लिस्ट 2023। तो UP NHM मेरिट लिस्ट, तो UP NHM स्टाफ नर्स जो यानी स्टाफ मेरिट लिस्ट के आधार पर कुछ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रिज़ल्ट का आधार यानी रिज़ल्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस रिज़ल्ट में सभी चयनित उम्मीदवारों का नाम और रोल नंबर सम्मिलित किए जाएंगे। यह रिज़ल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया जाएगा। NHM ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा नीचे दिए गए लिंक और डायरेक्ट इसमें मेरिट लिस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जो UP NHM रिज़ल्ट डायरेक्ट लिंक देखें तो दोस्तों आप यहां से UP NHM की जो रिज़ल्ट वो देख सकते हैं। तो UP NHM रिज़ल्ट उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मिशन यानी NHM रिज़ल्ट को लेकर छात्र बहुत ही परेशान है। लगातार UP NHM रिज़ल्ट 2023 कब जारी होगा, छात्रों के लिए खुशखबरी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ही देर में रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों। और जो रिज़ल्ट चेक करने के लिए जो डायरेक्ट लिंक है वो नीचे दिया गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कैसे डाउनलोड करें तो पूरी जो पोस्ट है पूरी पोस्ट में ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करें। सबसे आसान तरीका और सबसे जो सटीक जानकारी है वो आपको इस पोस्ट में दी गई है। बाकी UP NHM स्टाफ नर्स रिज़ल्ट, तो दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि UP NHM स्टाफ नर्स, तो इस पर क्लिक करें। और अगर ENM के लिए तो इस पर क्लिक करें, और लैब टेक्नीशियन है तो इस पर क्लिक कर लें, और जो फार्मासिस्ट है वो इस पर क्लिक कर लें, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आप रीडायरेक्ट किए जाएंगे पेज पे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बाकी स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं और UP NHM रिज़ल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों जो UP NHM रिज़ल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही कभी भी जारी किया जा सकता है। और UP NHM मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मिशन जो मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट जारी कर दिया मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसमें पंजीकरण का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। और बाकी छात्र सेलेक्ट होंगे और उन्हीं का नाम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो भी छात्र आपको। और दोस्तों एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो DV प्रोसेस है, अगर आप उसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, अगर आपका DV प्रोसेस ठीक है तो आप ठीक है, नहीं वरना आपको आउट कर दिया जाएगा दोस्तों। ये आप ध्यानपूर्वक अपनी बात को ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये पोस्ट आपकी पूरी हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।